हेलो स्टूडेंट्स दिस इज कोमल योर एस एस टी एजुकेटर वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट किंड गार्डन से लेके क्लास ट्वेल्व तक की सी बी एस ई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम जैसे कि यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड डेली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे प्रैक्टिस भी करते जाइएगा ई e बुक्स और ई e नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है तो वही भटकने की बात नहीं बनती है सो so, आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा मैंने आपसे कहा था ना जब हमने एम का सेशन किया था लास्ट क्लास में मैंने क्या कहा था आपसे अपना स्कोर जरूर बताइएगा तो स्कोर अगर याद हो तो ज़रूर बताओ मुझसे शेयर करो और शेयर कर दो इस जो है वीडियो की लिंक सेशन की लिंक ताकि आपके क्लासमेट्स भी ज्वाइन कर सके और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलो फटाफट से क्या कर दो लाइक का बटन दबा दो फिर हम वही पैटर्न जो फॉलो करते हैं वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग आंसर फॉलो करते हैं और स्टार्ट करते हैं करें स्टार्ट शुरू करें क्या है क्वेश्चन पहला वॉट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डेंसिटी जो है पॉपुलेशन इंडिया की जो पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है बताओ हमने पढ़ा था ना बहुत अच्छे से कितनी है हमारी इंडिया की जो है डेंसिटी बताओ फटाफट से बता दो कितनी है देखो पर स्क्वायर किलोमीटर हमने देखा था ना जो एवरेज डेंसिटी है हमारी पॉपुलेशन इंडिया की कितनी है इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है मतलब उस एरिया में पर्टिकुलर उसमें उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एवरेज निकाला है तो कितना है 382 एट्टी टू स्क्वायर किलोमीटर तो ये है एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया क्लियर हुआ आया समझ में आगे बढ़े भाई चलो why ह्यूमन रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड ये जो ह्यूमन रिसोर्स चाहे वो आप हैं चाहे हम हैं चाहे कोई भी हैं जो भी ह्यूमन beings हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों नहीं है ऐसा क्यों है कि unequal भाई विभाजित हैं कोई कहीं ज्यादा है प्लेन एरिया में ज्यादा है तो hilly एरिया में कम है ऐसा क्यों है क्या रीजन है अनईक्वली जो अन ईवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल एज एंड सेक्स देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप चेंजिंग जैसे नॉर्मल रिसोर्सेज या अदर रिसोर्सेज हैं चाहे वो नेचुरल रिसोर्स की हम बात करें जैसे हम देखते हैं ना कि जहाँ पे कहीं कई, कई पहाड़ी एरिया ज़्यादा है हिल एरिया है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरी जगह भी वैसे ही हो कहीं प्लेन्स अच्छे हैं प्लेन एरिया ज़्यादा है कहीं रिवर ज़्यादा है कहीं पर पानी भाई कोई डेजर्ट एरिया है दैट मीन्स डिफरेंस है ना अलग अलग है एक जैसा होता तो फिर बात ही क्या आती तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो अदर रिसोर्सेज की तरह क्या होती इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ठीक है ये हमें पता है दे डिफर इन देर एजुकेशनल लेवल ये एजुकेशनल लेवल के अकॉर्डिंग भी डिफर डिफरेंस है कोई लिटरेट पर्सन है कोई इलिटरेट पीपल है तो एजुकेशनल लेवल के बेसिस पे कोई हाईली एजुकेटेड है कोई लो है आधे में पढ़ के छोड़ दिया तो उसके बेसिस पे डिफरेंस है एज के बेसिस पे डिफरेंस किया जाता है कि जैसे छोटे बच्चे हैं जो अडल्ट uh, एज से कम है है ना जो टीन एज बेसिक छोटे ही हैं चिल्ड्रन है जो चाइल्डहुड में कोई यूथ है भाई यंग एज में कोई जो है ओल्ड एज में तो एज से भी डिफरेंस आता है फिर सेक्स सेक्स तो हमें पता ही है मेल या फीमेल उससे भी क्या होता है डिफरेंस होता है तो हमारी पॉपुलेशन क्या है हमारी पॉपुलेशन जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये भी चेंज होती रहती है ये भी डेटा क्या होता रहता है चेंज होता रहता है हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आज हमारे पास सौ की तादाद में पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल तो सौ ही रहेगी दस साल बाद भी हो सकता है तब एक लाख हो जाए तो ये जो डेटा है चेंज होता रहता है क्लियर हुआ आया समझ में वाई नंबर जो रिसोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों नहीं है इसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा क्लियर हुआ आगे बढ़े भाई चलो वॉट इज द मीनिंग ऑफ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न से आप क्या मतलब समझते मतलब जो हम बोलते थे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके पैटर्न से जो टर्म है कि पैटर्न इससे आप क्या समझते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था ना कि जब हैं द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस अर्थ सर्फेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जिस तरीके से जो पीपल है जो लोग हैं डिस्ट्रीब्यूटेड है, है. किसमें जो पीपल हैं, जो लोग हैं डिस्ट्रीब्यूटेड है अर्थ सरफेस में उसको हम बोलते पैटर्न मतलब क्या जो तरीका फॉलो करते क्या पैटर्न फॉलो करते जिस तरीके से अलग अलग कर रखा है उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कहीं ज़्यादा है कहीं कम है कहीं डेंसली है बहुत ज़्यादा कहीं बड़ी ही मुश्किल से कोई मिलेगा क्लियर हुआ जैसे हम देखें ना प्लेन एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं हिली एरिया में कम रहते हैं डेजर्ट एरिया में आपको बहुत कम लोग मिलेंगे बट ऐसे एरिया जहाँ रिवर वैलीज हैं वहाँ पर आपको लोग ज़्यादा मिलेंगे क्लियर हुआ आया समझ में तो ये क्या है ये पैटर्न है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का कि किस तरीके से जो है पीपल जो लोग हैं स्प्रेड है, फैले फेल, हुए हैं अक्रॉस दी अर्थ सरफेस वर्ल्ड क्लियर चल डिफाइन लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको क्या डिफाइन करना है भाई आपको बताना है लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है देखें मैंने बताया ना एक्सपेक्ट करना कि भाई कितना जी सकते हैं इस तरीके से देखते हैं भाई हमारा आंसर क्या कहता है इट इज अ नंबर ऑफ इयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव मतलब ये ऐसा माना जाता है कि एवरेज पर्सन जैसे हम सभी उसमें आते हैं कि एक एवरेज पर्सन कितने कितनी एज तक जी सकता है मैंने बताया ना कि हम ये सोचते हैं कि भाई आजकल लोग जो है इनका लाइफ स्पैन आजकल लोग भाई साठ साल तक ही जी पाते पहले के जमाने में तो लोग नब्बे नब्बे सौ सौ साल तक जीते थे तो इस तरीके से जो एक एक्सपेक्टेंसी है तो इसीलिए इट इज अ नंबर ऑफ ईयर्स भाई कितने नंबर ऑफ ईयर्स में डेट एंड एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव जो एक एवरेज पर्सन एक्सपेक्ट कर सकता है लाइफ के जी सकता है ठीक है कि भाई सिक्सटी तक जियेंगे सेवेंटी तक जियेंगे एवरेज क्लियर हुआ आया समझ में कोई कन्फ्यूजन दिक्कत डर समस्या तो नहीं चलो वॉट इज़ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है हमने देखी थी ना ये लॉन्च हुई थी 2015 में किसके लिए थी ये थी इंडियन यूथ के लिए थी कि नहीं थी याद करो ऐसा कुछ पड़ा था हमने इंडियन यूथ के लिए थी किस लिए थी उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए फॉर डेवलपिंग एप्टीट्यूड एंड स्किल्स ऐसे कुछ थी कि भाई पता है ना और ऑलमोस्ट कितना उनका जो था टारगेट वन करोड़ समथिंग कुछ का याद करो ऐसा कुछ हमने देखा था क्या देखते हमारा आंसर इसको हटा दे चल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पी के वाई वी वॉज स्टार्टेड इन 2015 कब स्टार्ट हुई थी ये 2015 में स्टार्ट हुई थी लॉन्च हुई थी इसका एम था कि लगभग एक करोड़ जो इंडियन यूथ को 2016 से लेकर 2020 तक के उनको क्या करेंगे ट्रेन करेंगे ट्रेन क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या था इस स्कीम का उनके अंदर एप्टीट्यूड लेकर है, है ना स्किल्स उनकी इंक्रीज करें क्वालिटीज़ बढ़ाएं उनकी और उनको ऐसी ट्रेनिंग दे ताकि जो है वो अच्छे से अच्छे स्किलफुल बन सके चाहे कोई नए जो पोटेंशियल पर्सन है हमें लग रहे हैं भाई ये ये हमारी यूथ है जो इतनी कैपेबिलिटी रखती जिन में है जिनमें इतना टैलेंट है पोटेंशियल है तो इनको ट्रेनिंग दें या कोई जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं जो ऑलरेडी जो है एग्जिस्टिंग हैं तो उनको सिखाना उनकी क्वालिटीज़ को और ज़्यादा पॉलिश और डेवलप करना तो बेसिकली यूथ के लिए था ताकि क्या हो ये यूथ हो भाई हमारे कंट्री के लिए प्रोडक्टिव बने कुछ अच्छा करें इनके पास कोई स्किल है तो उसको अपग्रेड अपग्रेड करें पॉलिश करें कुछ सिखाएं कुछ प्रोडक्टिव बनाएं हमारे उनके खुद के लिए और हमारे नेशन के लिए बेसिकली तो ये थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ठीक है 2015 में आई थी 2016 से 2020 तक इनका टारगेट ये था मतलब इन्होंने कहा था कि वन करोड़ इनका एम था इंडियन यूथ को ट्रेन करें क्लियर हुआ आया समझ में आगे बढ़ जाए अच्छा फाइव क्वेश्चन हमारे हो गए हैं अभी तक लाइक like किया कि नहीं किया और अभी तक शेयर करा कि नहीं किया फटाफट से लाइक शेयर कर दो अगर अभी तक भी भूल गए हो फिर हम क्या करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे चलो फटाफट से लाइक और शेयर कर दो चलो डिफ्रेंशिएट बिटवीन एमीग्रेंट्स एंड इमीग्रेंट्स आपको एमीग्रेंट्स और इमीग्रेंट्स के बीच में डिफरेंस करना है इमीग्रेंट्स क्या होते हैं जिसका मैंने एक बताया था एग्जिट से जैसे मतलब एग्ज़िट होना आउट हो जाना लीव कर देना इमीग्रेंट्स का तो एक ही सिंपल इन हो जाना इन इस तरीके से जस्ट समझाया था ऐसा आया समझ में तो इमीग्रेंट्स और इमीग्रेंट्स का क्या मतलब होता है मतलब इमीग्रेंट्स क्या होते हैं वो पर्सन वो पर्सन जैसे ये है ये पर्सन है ये जो पर्सन है खुशी खुशी ये क्या जा रहा है यहाँ पे दूसरी जगह पे जा रहा है दूसरी एरिया पे जा रहा है जैसे एमपी में जा रहा है ये यूपी का जो पर्सन है ये जो यूपी का पर्सन है ये कहाँ जा रहा है एम में जा रहा है तो इस पर्सन को क्या बोलेंगे ये क्या कर रहा है अपने एरिया को यूपी को लीव कर रहा है क्या कर रहा है यूपी को आउट यहाँ पे लिखा है ना ये लिखा तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये सब कर रहा है भाई छोड़ रहा है लीव कर रहा है तो ये क्या होगा ये होगा हमारा एमीग्रेंट ठीक है भाई अब इनके लिए यूपी के लिए एमीग्रेंट है बट ये यहाँ पे एम में आ रहा है अब ये भाई एम में आ गया ये ठीक है ये एम में आ गया खुशी खुशी ये एम पी में आ गया तो अब ये यहाँ के लिए क्या हो गया इन हो रहा है दैट मीन्स इमिग्रेंट मतलब जब कोई हमारे कंट्री या हमारे स्टेट प्लेस पे आता है इन होता है इन साइड आता है मतलब अंदर आ रहा है यहाँ यहाँ सेटल हो रहा है शिफ्ट हो रहा है हम उसको बोलेंगे इमिग्रेंट है भाई अब जब हमारे यहाँ से कोई जा रहा है तो हम बोलेंगे ये तो जा रहा है एग्जिट हो रहा है आउट हो रहा है ये इमीग्रेंट है क्लियर हुआ आया समझ में ये देखो कितना अच्छा मैंने ड्रॉ करा जबकि आपको पता है मेरी ड्रॉइंग बहुत ही ज़्यादा बेकार है बट ऐसे ही ट्राई करा मैंने ठीक है क्लियर हुआ आंसर देखें चल आंसर देखते हैं इमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव अ कंट्री इमिग्रेंट्स आर अराइव इन अ कंट्री इमिग्रेंट्स कौन होते हैं जो कंट्री को लीव करते हैं जो कंट्री को छोड़ते हैं और इमिग्रेंट्स वो होते हैं जो कंट्री के अंदर अराइव करते हैं बस इतनी सी बात लीव करना जैसे कि मैंने लिखा था आउट करना इमिग्रेंट्स यानी इन होना क्लियर हुआ आया समझ में आगे बढ़े ंगडम क्यों ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है स्लो हो रही है किसमें यूनाइटेड किंगडम में यूके का देखा था यूके वगैरह का देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइ इन यूनाइटेड किंगडम बिकॉज ऑफ बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट क्योंकि डेथ रेट भी कम है और बर्थ रेट भी कम है तो इसके कारण क्या हो रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो पा रही हमने देखा था ना कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस ये दिखा था हमने तो अब जब दोनों ही लो है डेथ रेट भी लो है बर्थ रेट भी लो है तो पॉपुलेशन का ग्रोथ भी क्या हो रहा है लो हो रहा है क्लियर हुआ चल ईच ह्यूमन इज अ पोटेंशियल रिसोर्स फॉर सोसाइटी डिफाइन हर जो ह्यूमन बींग है क्या है वो पोटेंशियल रिसोर्स है सोसाइटी के लिए समाज के लिए आपको क्या करना है डिफाइन करना है बताना है क्या ये सही है चाहे आप हो चाहे मैं हूँ क्या हम समाज के लिए कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं हाँ अगर मैं जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करूँ कि भाई मैं मेरे में जो स्किल है मुझे टीचिंग करना कराना बहुत पसंद है मुझे बहुत पसंद है टीच करना पढ़ाना बहुत पसंद है एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा पसंद है इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है अब मैं जो अपनी स्किल्स है जो अपना नॉलेज है जो मैंने भी पढ़ा है वो अप्लाई कर रही हूँ आपको सिखा रही हूँ आप भाई जो है फ्री में एजुकेशन ले रहे हैं आप एजुकेट हो रहे हैं आप अच्छे मार्क्स ला रहे हैं जो स्किल्स आप आगे चल के यूज़ करेंगे आपके आने वाले क्लासेस में अपनी जॉब में अप्लाई करेंगी जो यहाँ से सारे टीचर से आप सीख रहे हैं तो बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं प्रोडक्टिव पार्ट हूँ मैं क्या कर रही हूँ मैं भाई नेशन के लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ ना रिसोर्स हूँ ना मैं आपके लिए कुछ यूटिलाइज यूटिलाइजेशन हूँ ऐसा काम कर रही हूँ ना आपको लग रहा है ना कि भाई मैम यूज़फुल है क्लियर हुआ तो यानी मैं क्या हूँ मैं रिसोर्स हूँ क्लियर हुआ तो इसीलिए मैं वो पोटेंशियल रखती हूँ कि आप मुझे बोले कि यूजफुल ह्यूमन रिसोर्स ठीक है आपके मैं काम आ रही हूँ मैं कुछ आपके लिए प्रोडक्टिव समाज के लिए कुछ प्रोडक्टिव कर रही हूँ क्लियर हुआ तो बोल रहे ना ईच ह्यूमन इज अ पोटेंशियल रिसोर्स फॉर सोसाइटी भाई समाज के लिए हर ह्यूमन बींग पोटेंशियल रखता है तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है मैंने अपने एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन करा जरा देखते हैं हमारा आंसर क्या कह रहा है ईच ह्यूमन इज पोटेंशियल रिसोर्स फॉर सोसाइटी हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट भाई हर ह्यूमन बीइंग क्या है पोटेंशियल रिसोर्स होता है सोसाइटी का अब वो हेल्दी पर्सन हो एजुकेटेड हो और मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर रिक्वायरमेंट वो क्या करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं डेवलप करते चीज़ों को बनाते अगर कोई रिसोर्स है जो यूजफुल नहीं है तो उसको यूजफुल उसको भाई काम के लायक बनाते हैं कौन उसको इतना चेंजेस उसमें कौन लाता है अपने दिमाग अपने स्किल यूज़ करके हेल्दी और एजुकेटेड और मोटिवेटेड पीपल भाई सबसे पहले एजुकेशन तो जरूरी है एजुकेशन जरूरी है पढ़ा लिखा होना चाहिए टेक्निक्स पता होना चाहिए चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या करना है वो पता है उसके बाद हेल्दी हेल्थ अच्छी होना चाहिए ज़रा सा हमारी हेल्थ बिगड़ती फीवर आता है हम कितना चिड़चिड़ हो जाते हैं अच्छे आते हुए काम भी हमें लगता है ये नहीं कर पाएंगे बहुत गुस्सा आती गलत भी कर देते तो हेल्दी होना ज़रूरी है साथ में मोटिवेटेड भाई पॉजिटिव माइंड मोटिवेशन होना मस्ट है तो क्या कह रहे हैं कि यही लोग क्या कर सकते भाई जो है पोटेंशियल रखते हैं एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स की तरह सोसाइटी में ठीक है तो अपनी रिकॉर्ड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं भाई चेंजेस करते हैं और चीज़ों को डेवलप करते हैं इन्वेंशन करते हैं डिस्कवरीज करते हैं अपने नॉलेज को यूज करके अपनी स्किल्स को यूज करके इन द प्रोसेस दे मेक सेवरल डिस्कवरीज इन्वेंशन एंड मेक कॉन्ट्रीब्यूशन इन सेवरल अदर आस्पेक्ट लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्रीज एंड इट्स पीपल जैसे कि मैंने बताया क्या करेंगे अपने नॉलेज को यूज़ करके भाई डिस्कवरी करेंगे कुछ नया डिस्कवर करेंगे इन्वेंशन करेंगे है ना और मेक कंट्रीब्यूशन इन सेवरल अदर आस्पेक्ट और क्या करेंगे कंट्रीब्यूशन करेंगे अदर आस्पेक्ट में भी जैसे और भी उन्हें लगेगा कि भाई हम पब्लिक जो है जनता की भलाई के लिए या कंट्री की ग्रोथ के लिए या कंट्री की भाई रिसोर्सेस लें इन्वायरमेंट लिया किसी भी सराउंडिंग किसी भी चीज़ के लिए वर्ल्ड के कुछ अच्छे के लिए हम कर सकते हैं तो उसके लिए भी कंट्रीब्यूट करेंगे नई नई डिस्कवरीज़ करेंगे ये जो हम बोलते हैं भाई बल्ब का डिस्कवर हुआ ये जो कंप्यूटर सिस्टम आए ये जो सारी चीज़ें स्क्रीन कैमराज वग़ैरह फोन ये क्या कर रहे हैं ये हमारे असिस्ट कर रहे हैं हमें हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं किसने बनाए ह्यूमन बींग ने कैसे बनाए अपनी एजुकेशन अपनी नॉलेज अपनी पॉजिटिविटी बना के रखी कि भाई मैं कुछ ऐसा इन्वेंट कर सकता हूँ मैं कुछ ऐसा बना सकता हूँ जो लोगों के काम आए जो फोन कहते हैं जिसे जिसमें ऐसा हो वैसा हो ये फीचर तो किसने बनाए ये ह्यूमन बींग्स ने बनाए क्लियर हुआ दैट इज ये क्या है पोटेंशियल रखते हैं क्या एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स का किसका सोसाइटी के लिए भाई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिनके थ्रू कंट्री डेवलप करती है कंट्री एडवांस बनती है अगर हम बोलते ना कि अरे ये कंट्री बड़ी हाईटेक है डेवलप कंट्री कैसे हुई वो डेवलप भाई जो ह्यूमन बींग्स हैं वहाँ के वो टैलेंटेड हैं उन्होंने मेहनत करी पॉजिटिव रहे उन्होंने इतनी टेक्नोलॉजीज बनाई नई नई चीजें क्रिएट करी इन्वेंशन किया डिस्कवरीज की अपनी स्किल का यूज करा ठीक है ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करा जो प्रोडक्टिव हो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई सब तरीके से अच्छा हुआ एजुकेशन बढ़ा हेल्थ सिस्टम बढ़ा दैट मीन्स कंट्री भी डेवलप होगी और उनके पीपल भी वो भी भाई ग्रो करेंगे आया समझ में तो सोसाइटी के लिए क्या है हर ह्यूमन बींग पोटेंशियल रखता है इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छी रिसोर्स होता है सोसाइटी के लिए क्लियर हुआ आया समझ में कोई कन्फ्यूजन दिक्कत तो नहीं भी अच्छे से आ गया ना चल वॉट इज बर्थ रेट ये बर्थ रेट क्या होती है ये भाई बर्थ रेट क्या होती है बर्थ रेट डेथ रेट ये पढ़ा हमने ग्रोथ रेट तो बर्थ रेट आप खुद ही सोचिए बर्थ जन्म लेना है ना जो जन्म ले रहे हैं तो ये बर्थ रेट क्या होती है ज़रा देखते हैं इसको समझते हैं बर्थ रेट इज़ वन ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन चेंज पॉपुलेशन को चेंज करने में बर्थ रेट एक बहुत ही इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है इन्फ्लुएंस करती है लिखा है ना इन्फ्लुएंस करना प्रभाव डालती है पॉपुलेशन चेंज में कैसे डालती है कैसे चेंज करती है मैंने बताया ना जैसे हमारी पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में जस्ट मैं बता रही हूँ ऐसी वन थाउजेंड में मानो हमारी पॉपुलेशन वन थाउजेंड है अब भाई टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में हमने ये भी देखा कितने हो गए ट्वेंटी बच्चों ने जन्म दिया तो अब पॉपुलेशन कितनी हुई वन जीरो टू जीरो क्या है ट्वेंटी जो प्लस हो रहे हैं यानी बर्थ जन्म हो रहा है ना अगर कोई पॉपुलेशन में ऐड हो रही है दैट मीन्स भाई जन्म हो रहा है बर्थ भाई बच्चे जन्म ले रहे हैं ठीक है बर्थ ले रहे हैं बॉर्न हो रहे हैं बच्चे दैट मीन्स वन जीरो टू जीरो वन थाउजेंड ट्वेंटी हमारी क्या हुई हमारी ये पॉपुलेशन बढ़ गई तो इंक्रीज़ होना तो बर्थ रेट पॉपुलेशन को चेंज करने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है अब हम ये ना देखें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ बस ये समझ में आ रहा है कि हाँ चेंज हुआ वन थाउजेंड था वन जीरो टू जीरो यानी कोई चेंजेस आया बदलाव आया बर्थ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट बर्थ को कैसे मेजर करते हैं बर्थ को हम मेजर करते हैं यूजिंग बर्थ रेट बर्थ रेट को यूज करके हम बर्थ को मेजर करते हैं क्या होती है बर्थ रेट कैसे करते हैं द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर वन थाउजेंड पीपल मतलब कितने जितने भाई जो हुए हैं जो बच्चों ने जन्म लिया है है ना उनके नंबर किससे किसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं वन थाउजेंड वन थाउजेंड जो पीपल है उनके अकॉर्डिंग हम मेजर करते हैं तो वो होती है हमारी निकलती बर्थ रेट वन बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट डैट इज़ पॉपुलेशन इंक्रीज जब जो हमारी बर्थ रेट क्या होती है डेथ रेट से ज़्यादा होती तो अंडरस्टूडे ऑब्वियसली हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी ऑब्वियसली जैसे मैंने देखा कि, मैंने बताया ना कि वन जीरो टू जीरो हमारी पॉपुलेशन बर्थ रेट के कारण बढ़ गई और डेथ रेट भी थी मतलब डेथ कितनी हुई माइनस कितने हो रहे थे फाइव हो रहे थे तो अगर मानो माइनस फाइव भी कर दो तो वन जीरो वन फाइव हमारी अभी जो है पॉपुलेशन है तो पहले वन जीरो वन मतलब वन थाउजेंड थी अभी वन जीरो वन फाइव है दैट मीन्स भाई पॉपुलेशन तो इंक्रीज हुई ना क्यों क्योंकि जो बर्थ रेट थी वो फिफ्टी थी मतलब बीस आए और जो डेथ रेट थी वो फाइव थी क्लियर हुआ ये ज्यादा है इससे फिफ्टीन फिफ्टीन पॉइंट ज्यादा है ना समझ में आया दैट मीन्स पॉपुलेशन इंक्रीज ही हुई ना क्लियर हुआ आया समझ में आगे बढ़े भई चल डिफाइंड डेथ रेट अब हमें क्या बताना है हमें डेथ रेट एक्सप्लेन करना है ठीक है देखते हैं डेथ रेट इज़ एन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन चेंज हाँ ये भी है ये भी एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है पॉपुलेशन चेंज का जैसे कि 2023 में पॉपुलेशन कितनी है मैंने बताई 1000 है अब डेथ रेट कितनी है कितने लोगों की भाई मौतें हुई 20 अब कितने बचे 980 एट्टी पॉपुलेशन पहले कितनी थी इतनी थी अब इतनी हो गई तो दैट मीन्स पॉपुलेशन चेंज हुई तो इन्फ्लुएंस डाला ना डेथ रेट ने हाँ भाई डाला इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं डेथ आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द डेथ रेट जो डेथ से में कितने लोग की मौतें हो रही है वो किससे मेजर करते हैं डेथ रेट से ये भी वैसे ही है बर्थ रेट की तरह इसमें जो नंबर ऑफ डेथ पर पर वन थाउजेंड पीपल वो जो नंबर ऑफ डेथ है कितने लोगों की डेथ हुई उनको पर वन थाउजेंड पीपल के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं जिससे डेथ रेट निकलती है वैन डेथ रेट इज़ मोर देन बर्थ रेट दैट मीन्स पॉपुलेशन डिक्रीज होना अंडरस्टूड है ना जब क्या होगा हमने देखा ट्वेंटी लोगों की डेथ हुई यहाँ पे बर्थ कितने हुए फिफ्टीन ही हुए मतलब चलो फिफ्टीन भी क्यों टेन हुए आया समझ में यानी इतने जो है माइनस हो गए इतने प्लस हैं इतने प्लस में इतने माइनस में इतने प्लस में दैट मीन्स अब अगर हमारी पॉपुलेशन वन जीरो वन इतनी थी वन थाउजेंड तो वन थाउजेंड में से पहले हम क्या करेंगे भाई इतने लोग ऐड कर लिया है ना कि चलो वन जीरो वन जीरो तो भाई बढ़िया है हमारी पॉपुलेशन दस से बढ़ गई बट डेथ रेट भी है ट्वेंटी तो वापस कितनी होगी गई नाइन नाइन्टी तो पॉपुलेशन क्या हो रही है वन, वन थाउजेंड थी लो डिक्रीज हो गई है तो नाइन नाइन्टी भी जो हमारी पॉपुलेशन है डिक्रीज हो गई आया समझ में क्लियर हुआ कोई कन्फ्यूजन दिक्कत तो नहीं भाई हमने क्या देखा जब इतनी सी बात है जब डेथ रेट माइनस बर्थ रेट कम रहती है बेसिकली या ऐसा कर लो चलो इसको ऐसे समझते हैं ऐसे समझ में आएगा यहां पे लिखते हैं डेथ रेट ऐसे समझ में आ जाएगा मोर देन बर्थ रेट क्या फिनोमिना होगा पॉपुलेशन डिक्रीज पॉपुलेशन क्या होगी जनता कम होगी पॉपुलेशन क्या होगा डिक्रीज होगी ठीक है अब यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो अगर ज्यादा होगी किससे डेथ रेट से पॉपुलेशन क्या होगी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी क्या कह रहे हैं भाई पॉपुलेशन इंक्रीजेस समझ में आ गया? डेथ रेट और बर्थ रेट जब डेथ रेट बर्थ रेट से ज़्यादा होती है ऑब्वियसली तो पॉपुलेशन कम होगी ना लोग कम हो रहे हैं ये एन कर लो अब बर्थ रेट जब लोग ज़्यादा पैदा हो रहे हैं डेथ रेट क्या हो रही है डेथ रेट उतनी कम है दैट मीन्स पॉपुलेशन क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है आया समझ में मतलब सॉरी इंक्रीज़ हो रही है क्लियर हुआ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ डेथ रेट अगर ज़्यादा है बर्थ रेट से तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है अगर बर्थ रेट ज़्यादा है ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं मर कम लोग रहे हैं डेथ कम हो रही है दैट मीन्स पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा हुआ ना क्लियर आगे बढ़े भाई फिर चल वाई इज द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ कीनिया ब्रॉड एट द बेस एंड नैरो टुवर्ड्स द टॉप जो हमारा कीनिया है उसका बोल रहे हैं कि कैसे इस तरीके का था ना की ऐसे देखो कुछ तो इस तरीके का था यहाँ से ऐसा ब्रॉड था यहाँ पे मतलब इस बेस से यहाँ पे ब्रॉड था और यहाँ पे जाते जाते मतलब इतना भी चलो यहाँ तक ब्रॉड था ये समझ लो और यहाँ पे नैरो ऐसा क्यों क्यों भाई बोल रहे हैं कि ऐसा भेदभाव क्यों जब नीचे से अच्छा ब्रॉड है तो ऊपर क्यों नहीं भाई ब्रॉड हुआ हमारा केनिया का पिरामिड हमने देखा था ऐसा इसलिए था क्योंकि जो डेथ रेट है और जो बर्थ रेट थे वो अच्छी हाई थी जो डेथ रेट और बर्थ रेट वो बढ़िया तरीके से क्या हो रहा था हाई हो रहा था याद करो ऐसा कुछ पड़ा था क्लियर है देखते इसीलिए हमारा जो है नीचे से बेस जो है ब्रॉड था द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ केनिया इज ब्रॉड एट द बेस एंड नैरो टुवर्ड्स द टॉप बिकॉज मेनी चिल्ड्रन आर बॉर्न भाई बहुत सारे चिल्ड्रन बॉर्न हुए लार्ज परसेंट ऑफ देम डाई इन देयर इन्फेंसी बट जो लार्ज नंबर ऑफ जो इतने यहाँ पे बर्थ हुए जन्म हुआ यहाँ पे उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है भाई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है जो भी चीजें हैं आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिलती न्यूट्रिशन नहीं मिलता जो नीड उस टाइम पे चाहिए होती भाई एक इन्फेंट एक चाइल्ड के लिए वो नहीं मिल पाती न्यूबॉर्न बेबी के लिए तो जब वो कुछ दिनों बाद या कुछ टाइम बाद कुछ साल बाद वो मर जाते हैं ना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता तो जब मर रहे हैं तो किस में आ रहा है डेथ में आ रहा है तो क्या होगा भाई डेथ रेट में आएगा रिलेटिवली फ्यू बिकम एडल्ट एंड देयर आर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल अब क्या होगा जब यहाँ पे तो हो गए खूब सारे पैदा हो गए धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रही है डेथ हो रही है जैसे कोई यहाँ डेथ हो गई कोई एडल्ट हुड तक पहुँचते पहुँचते भाई डेथ हो गई तो अब जब ऐसी पॉपुलेशन यहाँ कम हो रही ऑलरेडी डेथ होती जा रही तो ऊपर तक पहुँचने के लिए ओल्ड एज तक पहुँचने के लिए ओल्ड एज तक पहुँचने के लिए लोग क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे ना लोग कम बचेंगे तभी तो ऊपर जाके जो बेस है वो कैसा हो जाता है मतलब सॉरी बेस बोर्ड जो पिरामिड है वो नैरो हो जाता है मतलब यहाँ पे काफ़ी बच्चों ने जन्म लिया इट्स गुड अब हेल्थ इश्यूज़ या जो भी चीज़ें हैं वो इतना जी नहीं पाए तो यहाँ पे आके डेथ हो गई फिर धीरे धीरे एडल्ट एज तक अगर यहाँ पे पहुंचे तो डेथ हो गई ओल्ड एज तक जैसे जैसे जो भी पहुंचे तो कितने बची पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो गई परसेंटेज जो है बेसिकली जो जनता है वो कम हो गई ठीक है तो ये क्या हो गया इसीलिए ऊपर जो पिरामिड है किसका कीनिया का वो नैरो है नीचे ब्रॉड है क्लियर हुआ आया समझ में तो रिलेटिवली फ्यू बिकम एडल्ट भाई जब कुछ ही जिंदा रहेंगे तो कुछ ही तो एडल्ट बन पाएंगे एडल्ट होने के बाद भाई कुछ ही उनमें से ओल्ड पीपल ओल्ड एज तक पहुंच पाएंगे क्या पता कोई एडल्ट हु में भाई किसी की नेचुरल कॉज से डेथ हो गई सुसाइड कर लिया जो भी रीजन है जो भी रीजन है तो ओल्ड एज तक पहुँचते पहुँचते कम लोग बचे इसीलिए ऊपर जो जो पिरामिड है केनिया का वो कैसा हो रहा है नैरो हो रहा है आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा आया समझ में चलो एक्सप्लेन द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान हमें किसका समझाना है जापान का पॉपुलेशन पिरामिड समझाना है हमने देखा था ना इस तरीके से कुछ था ऐसे यहाँ पे था वो थोड़ा सा उसका अजीब सा था यहाँ पे ब्रॉड था ऐसे करके फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे नैरो हो रहा था ऐसे तरीके फिर थोड़ा सा ब्रॉड इस तरीके से कुछ था ऐसा ऐसा, ऐसा इस टाइप का कुछ शेप था Exactly हम नहीं बना पा रहे इस तरीके का कुछ था देखते द पिरामिड ऑफ जापान इज नैरो एट द बेस विच मीन्स लो बर्थ रेट देखो नैरो बनाया ना मैंने यहाँ से और यहाँ पे ब्रॉड है तो यहाँ पे क्या है नैरो है क्यों क्योंकि जो बर्थ रेट है वो कम है कम बच्चे पैदा हो रहे हैं बर्थ रेट कम है डिक्रीज डेथ रेट, रेट अलाउ लेस नंबर ऑफ पीपल टू तो रीच ओल्ड एज अब डेथ रेट भी कम है बर्थ रेट भी कम है तो डेथ रेट भी कम है तो भाई जब बर्थ रेट है कम है कम लोग पैदा हुए तो बेस क्या हो गया नैरो हो गया ठीक है अब जब लोग धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं ओल्ड मतलब एक बड़ी एज में जा रहे हैं बड़ी उम्र में जा रहे हैं एडल्टूड में जा रहे हैं या यूथ में जा रहे हैं या ओल्ड एज में जा रहे हैं तो क्या है डेथ रेट कम है इतने लोग मर नहीं रहे जब लोग मर नहीं रहे यहाँ पर तो यानी वो एडल्ट होंगे ठीक है अभी भी फिट है नहीं उनकी डेथ हो रही फिर वो यंग एज में पहुँचे ऐसे कर करके वो ओल्ड एज तक पहुँच जाएंगे तो इसलिए जो ऊपर तक बेस है वो कैसा है ब्रॉड है डिक्रीज डेथ रेट अलाउ नंबर ऑफ़ पीपल टू रीच ओल्ड एज द वर्किंग पॉपुलेशन इज मोर कंपेयर टू द चिल्ड्रन एंड ओल्ड पॉपुलेशन और जो वर्किंग पॉपुलेशन है ये जो वर्किंग पॉपुलेशन यहाँ पे इस यह बीच जो आएगी यहाँ पे और यहाँ की कंपेरिजन में ये जो ब्रॉड है ना वर्किंग पॉपुलेशन ये क्या है ये चिल्ड्रन और ओल्ड पॉपुलेशन के जो वर्किंग पॉपुलेशन है चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल के कंपैरिजन में ज्यादा है ठीक है समझ में आई रहा है मैंने बनाया ना इस तरीके से कि यहाँ पे नैरो है यहाँ पे नैरो गया बीच में ब्रॉड है ये वाला एरिया हमने देखा था कितना था जीरो से फिफ्टीन तक का कुछ का ऐसा था यहाँ पे हमने देखा था 65 कुछ प्लस का था अब यहाँ पे जब बर्थ कम हो रहा है भाई बे, कम बेबीज बॉर्न हो रहे हैं तो नैरो रहेगा ना बेस ज्यादा लोग पैदा नहीं हो रहे अब डेथ रेट भी कम है अच्छी बात यह कि मर भी लोग कम रहे हैं तो जब मर कम रहे हैं तो लोग यानी एडल्ट होंगे भाई वो यंग होंगे यंग पीपल क्या करते हैं भाई वर्क फोर्स लेबर होते हैं वो अपने स्किल्स अपनी यूज करते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं बेसिकली ठीक है क्या बोल रहे हैं बोल रहे हैं ना कि चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल के कंपैरिजन में ये ज़्यादा है अब ओल्ड एज तक पहुँचे तब भी डेथ रेट कमी है तो ओल्ड एज तक पहुँच पा रहे कम लोग मर रहे हैं तो बेस क्या है मतलब सॉरी जो पिरामिड क्या है वो अभी ऐसे नैरो नहीं हुआ वो थोड़ा सा नैरो हुआ ज़्यादा नहीं दैट मीन्स क्योंकि डेथ रेट कम है अगर मानो डेथ रेट ज़्यादा होती ज़्यादा लोग मरते तो ये कैसा हो जाता बेस और और नैरो हो जाता क्योंकि ज़्यादा लोग मर रहे हैं तो ओल्ड एज तक पहुँच ही नहीं पा रहे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तो सब ये जो बेसिकली खेल बोलते हैं ना जो गेम है ये जो चीजें चल रही हैं पजल ये सब डेथ रेट और बर्थ रेट के अकॉर्डिंग ही है पिरामिड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एक बार और तो नहीं समझाना? क्लियर है ना? चल। Explain the density of population. हमें population की density क्या होती ये है ये समझाना है एक्सप्लेन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जरा देखें पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस एज पर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस पॉपुलेशन डेंसिटी वो होती है भाई जो नंबर ऑफ पीपल है जो लोग हैं वो रह रहे हैं यूनिट एरिया लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस क्लियर हुआ मतलब जो अर्थ सर्फेस है अर्थ किसका है सबके लिए अर्थ में ह्यूमन बींग भाई रहते हैं सर्वाइव करते हैं जीते हैं लैंड में घर बनाते हैं ठीक है अब जो यूनिट एरिया में जिस पर्टिकुलर जो यूनिट एरिया में जहां पे जितने लोग रह रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं भाई डेंसिटी कि कितने लोग वहां रह रहे हैं जैसे इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस दस पर स्क्वायर किलोमीटर किसके बेसिस पे पर स्क्वायर किलोमीटर के बेसिस पे हम क्या करते हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं एक्सप्रेस करते हैं द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज फिफ्टी वन परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर जो एवरेज डेंसिटी है किसकी जो एवरेज डेंसिटी है वर्ल्ड की पॉपुलेशन की कितनी है फिफ्टी वन पर स्क्वायर किलोमीटर फिफ्टी वन है एवरेज वर्ल्ड के अकॉर्डिंग साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाइस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाई ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया मतलब एशिया सच में बहुत पॉपुलेटेड जो है कॉन्टिनेंट है तो एशिया में भी साउथ सेंट्रल एशिया बहुत अच्छी डेंसिटी वाला एरिया है उसके बाद कौन सा आता है उसके बाद ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया मतलब है एशिया ही क्लियर हुआ डेंसिटी क्या होती है मतलब कितने लोग उस पर्टिकुलर यूनिट एरिया में रह रहे हैं जैसे हमने वर्ल्ड का कैलकुलेट किया तो वर्ल्ड का हमने देखा 51 पर पर्सन मतलब उस पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत रह रहे क्लियर हुआ आया समझ में आगे बढ़े भाई चल वॉट इज मैंट बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन पॉपुलेशन कंपोजिशन से आप क्या समझते हैं हमने देखा था ना पॉपुलेशन कंपोजिशन को बोलते स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन जो क्या बताता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर बताता है ऐसा कुछ बताता है ना सही बात है कि नहीं जो क्या बताता है पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर बताता है उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन किस बेसिस पर बताएगा भाई एज के बेसिस पे सेक्स के बेसिस पे लिटरेसी रेट के बेसिस पे हेल्थ के बेसिस पे ऑक्यूपेशन इनकम लेवल के बेसिस पे हमने देखा था क्लियर है ये हम देख कैसे पाते हैं पॉपुलेशन पिरामिड के थ्रू जिसको हम एज सेक्स पिरामिड भी बोलते हैं देखते हैं हमारा आंसर क्या कहता है पॉपुलेशन कम्पोजिशन रिफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन ठीक है जैसे कि मैंने लिखा है किसको रिफर करता है जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन टू नो हाउ मैनी आर मेल्स और फीमेल्स विच एज ग्रुप दे बिलोंग टू हाउ एजुकेटेड दे आर एंड वॉट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन दे आर एम्प्लॉयड इन वट देयर इनकम लेवल्स एंड हेल्थ कंडीशन आर जैसे कि मैंने बताया इस कंपोजिशन में हम क्या क्या देखते हैं इस कंपोजिशन तो में हम देखेंगे भाई कितनी कितनी एज के लोग हैं एज ग्रुप क्या है मेल फीमेल हम देखते हैं ठीक है मेल है फीमेल है फिर हम एज ग्रुप देखते हैं जीरो टू फोर फोर टू नाइन इस तरीके से जैसे हमने अब, हमारे पिरामिड में देखा था दे बिलोंग टू कितने एजुकेटेड हैं ठीक है थीके? और व्हाट टाइप ऑफ ऑक्युपेशन दे आर एम्प्लॉयड इन किस टाइप का भाई वो काम धंधा करते हैं ऑक्यूपेशन करते हैं जॉब करते हैं प्रोफेशन में किस चीज़ में है वॉट देयर इनकम लेवल एंड हेल्थ कंडीशन आर उनका इनकम लेवल और हेल्थ कंडीशन कैसी है ये सब किसके अंदर आता है भाई ये आता है हमारा पॉपुलेशन पिराम कम्पोजिशन के अंदर क्लियर हुआ हम देखते ना हमने ऐसा ग्राफ बनाया था इस तरीके से ऐसा ग्राफ ड्रॉ करा था हमने इस तरीके से हमारा पिरामिड था जैसे किस भी शेप का तो यहाँ पे ऐसे जो बार्स थे ऐसी लाइंस थी ये क्या थी एज बता रही थी ना कि ज़ीरो टू फोर फोर टू नाइन नाइन टू इस तरीके से हमारा फिफ्टीन ऐसे जस्ट क्लियर हुआ अब यहाँ पे हमने देखा था मेल थे इस साइड मेल को दिखा रहे थे इस साइड फीमेल को दिखा रहे थे तो ये क्या दिखा रहे ये तो हमें दिखा रहा है सेक्स यहाँ पे हमें दिखा रहे है एज। Clear, ऐसा कुछ था ना आया समझ में भाई कोई कंफ्यूजन दिक्कत परेशानी डर समस्या तो नहीं ठीक है चल हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज हैज लिटिल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सप्लेन हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हमें बोला है कि कंट्री कितनी क्राउडेड है ना? है ना कंट्री कितनी क्राउडेड है कितने सारे लोग वहाँ रह रहे हैं हैज़ लिटिल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कोई खास मतलब बहुत ही मुश्किल से ऐसा कनेक्शन नहीं है अगर हम ये सोचें कि कंट्री में तो बहुत ज़्यादा लोग हैं मतलब इस इस देश में इतने सारे लोग आने इनकी इनकम मतलब अच्छा अमीर देश होगा ऐसा है क्या तो इसका जो कनेक्शन है बहुत ही कम है तो हमें क्या करना है इसको एग्जाम्पल से समझाना है हमने किसका एग्जांपल देखा था दो कंट्रीज का एग्जांपल देखा था ना हमने याद करो बांग्लादेश और जापान एंड हमने जापान का एग्जाम्पल देखा था दोनों में कितना फर्क है दोनों ही कंट्री डेंसली पॉपुलेटेड है अच्छी खासी पॉपुलेशन है उसमें बट कहाँ बांग्लादेश और कहाँ जापान जापान कितनी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है और बांग्लादेश का लेवल बहुत अलग है तो उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई मैच है क्या अब इसमें बेसिस पे बोलेंगे कि पॉपुलेशन इनके पास भी ज्यादा है इनके पास भी ज़्यादा है यानी दोनों ही बहुत अच्छी कंट्री होगी नहीं इसका जो रिलेशन है किससे होता है स्किल से होता है आपके टैलेंट से होता है आप कैसे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है इसका उससे कोई लेना देना नहीं है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है जैसे मैंने आपको घर के एग्जाम्पल से समझाया था ना कि मम्मी कह रही है हम मम्मी से कह रहे हैं कि मतलब हम ये सोचते हैं कि देखो उनके यहाँ चार लोग हैं उनकी फैमिली में पाँच लोग हैं तो वो उन वो रिच होंगे हो सकता है वो अपनी स्किल का उतना अच्छा यूज़ ना करते हो उनमें से कुछ लोग अर्न करते हो कुछ नहीं करते हो और आप लोग आप बोलोग हमारी तो तीन की फैमिली है तो यानी हमारे पास इतना पैसा नहीं होगा बट नहीं आप अपनी स्किल्स यूज़ करते हो आप अच्छी जॉब में हो आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी उससे में, में, मतलब नहीं बनता है इकनॉमी का इकनॉमी का मतलब बनता है कि आप अपनी स्किल अपने टैलेंट को कैसे यूज़ कर रहे हो अपने कैरियर बिजनेस जिस भी चीज़ों में क्लियर हुआ एग्जाम्पल से देखते हैं और आंसर को समझते हैं

डेंसिटी उसका कंट्री के इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके आस पड़ोसी में कोई दस लोग की फैमिली कोई पाँच की तो आप सोचोगे जो टेन लोग हैं उनके पास बहुत पैसा होगा ऐसा कुछ भी नहीं है इससे कोई मतलब नहीं बनता ठीक है इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा कि कैसे बांग्लादेश और जापान ये लोग डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं बट जो जापान है फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड है बांग्लादेश से ऑब्वियसली हमें पता है कि जापान कितना ज़्यादा हाईटेक कंट्री है कितनी ज्यादा हाईटेक मॉडर्न टाइप की इनोवेशन से टेक्नोलॉजीज़ यूज करते हैं हाईटेक कंट्री क्लियर हुआ आया समझ में भाई एग्जाम्पल से चल वॉट इज एन एज सेक्स पिरामिड ये एज सेक्स पिरामिड क्या होता है जिसको हम क्या बोलते हैं इसको एक और चीज बोलते हैं अच्छा मुझे कमेंट में बताओ इसको एक और चीज क्या बोलते हैं एज सेक्स पिरामिड को और किस नेम से हम बोलते हैं बताइए जल्दी जल्दी एज सेक्स पिरामिड को हम और किस नेम से बोलते हैं पॉपुलेशन पिरामिड याद करो कुछ ऐसा बोलते हैं ना हम बोलते कि नहीं बोलते देखे, चल अ पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो कॉल्ड एन एज सेक्स हाँ जैसे कि मैंने कहा कि भाई पॉपुलेशन पिरामिड को हम एज सेक्स पिरामिड बोलते हैं हाँ, मैंने लिख दिया था

इस साइड फीमेल्स थी ये एज थी लाइक जैसे ज़ीरो टू फोर फोर टू नाइन नाइन टू फोरटीन फिफ्टीन टू नाइनटीन इस तरीके से इस तरीके से था कि नहीं था तो ये क्या था ये एज है ये क्या बता रही है ये बता रही है एज ये बता रहे हमारे सेक्स मेल या फीमेल क्लियर हुआ तो क्या कर रहे हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ग्राफिकल फॉर्म में मतलब ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं हम देख रहे हैं ना जैसे ग्राफ है उसके फॉर्म में हम समझ रहे हैं तो क्या बताता है इज अ ग्राफिकल इलिस्ट्रेशन दैट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एज ग्रुप जो अलग अलग एज ग्रुप है उनका डिस्ट्रीब्यूशन हाँ वही दिख रहा है हमें इन अ पॉपुलेशन विच फॉर्म्स अ शेप ऑफ अ पिरामिड वेन अ पॉपुलेशन इज ग्रोइंग जब पॉपुलेशन ग्रो होती तो क्या पिरामिड की शेप में दिखता है हमने देखा था ना जैसे हमने जो केनिया का इसका इस टाइप का देखा था इंडिया का ऐसा देखा था जापान का कुछ ऐसा 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 अलग थोड़ा इस टाइप का जो बन नहीं पाया मुझसे थोड़ा सा ऐसा था कैसा था जापान का ऐसा फिर यहाँ से ऐसा फिर यहाँ से नैरो था कुछ इस तरीके का था क्लियर हुआ तो ये क्या बनाता है पिरामिड जिसमें हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है जिसके थ्रू हम देखते हैं एज ठीक है और कैसे जो कंट्री जो हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उसके बेसिस पे डेटा क्लियर हुआ आया समझ में आगे बढ़े भाई चलो डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड हमें क्या करना है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है जो वर्ल्ड में उसको क्या करना है डिस्क्राइब करना है देखें जरा कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अन ईवन जी हाँ ये बहुत भाई प्रूवन फैक्ट है आपको ही पता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो भाई अन ईवन है अगर आप सोचते हो कि यहाँ भी वही है वहाँ भी वही है ऐसा नहीं है अन ईवन है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसका पॉपुलेशन का वो एक्सट्रीमली अनइवन है एक जैसा नहीं है सम एरियाज़ आर वेरी क्राउडेड एंड सम एरियाज़ आर स्पैसली पॉपुलेटेड कुछ एरिया कैसे मिलेंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे और कुछ एरिया में लोग देखने को ही नहीं मिलेंगे या बहुत कम जैसे हम बोलते हैं ना हिल एरिया हिली एरिया प्लेट्यूज माउंटेनियस एरिया या गर्म जहां पे अच्छा डेजर्ट एरिया या पोलर रीजन वाला एरिया है, तो वहां पे लोग कम दिखेंगे हमें प्लेन एरिया में लोग ज्यादा अच्छे से दिखेंगे ऐसे टेंपरेचर क्लाइमेटिक कंडीशन वाले एरिया में दिखेंगे जहां पे गर्म ठंडी बराबर पड़ती हो तो इसके इसके रीज़न से मतलब ये जो चीजें फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डालते हैं किसका पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कि लोग कहाँ रहना चाहते हैं कहाँ नहीं तो जैसे हमने देखा कि मोर देन नाइनटी परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन द अबाउट टेन परसेंट ऑफ द लैंड सरफेस कितने थर्टी परसेंट मोर देन नाइन्टी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट टेन परसेंट ऑफ़ लैंड सर्फेस कितना लैंड सर्फेस में रहती है हमारे थर्टी परसेंट देखा था ना हमने थर्टी परसेंट सॉरी टेन हो गया गलती से थर्टी परसेंट लैंड सर्फेस में रहती है क्लियर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया द क्राउडेड एरिया आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका अब जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में कौन से कौन सी जगह आएंगी जिस जहाँ पर अच्छी खासी पॉपुलेशन है तो भाई क्राउडेड एरिया हमने कौन से देखे थे साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया यूरोप और नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका ये सारे एरियाज़ हमने देखे थे डेंसली पॉपुलेटेड में फिर जहाँ पे मुश्किल से ही कोई मिलेगा तो हमने देखे थे वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई एल्टीट्यूड एरिया जैसे कि मैंने कहा था ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया जैसे कि मैंने बताया था माउंटेनियस एरिया और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एरिया तो ये मैं आपको ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन कर चुकी थी देखिए तो इसीलिए क्या है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है आया समझ में रीजन माउंटेन एरिया में खेती बाड़ी भाई इंडस्ट्री सेटअप करना मैन्यूफेक्चरिंग इतना आसानी से नहीं होगा बट प्लेन एरिया में आप एग्रीकल्चर अच्छे, अच्छे से कर सकते हो फार्मिंग अच्छे से कर सकते हो इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो क्लियर है चलो ऑलमोस्ट थ्री क्वार्टर्स ऑफ द दर्ल्ड पीपल लिव इन टू कॉन्टिनेंट एशिया एंड अफ्रीका मतलब ऑलमोस्ट थ्री जो है क्वार्टर जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो कितनी रहती है एशिया और अफ्रीका में ही मिलेगी हमें सिर्फ थ्री क्वार्टर का हम बात करें अगर हम थ्री क्वार्टर पॉपुलेशन की बात करें वो सिर्फ दो कॉन्टिनेंट में ऐसे ही मिल जाएगी बाकियों को क्या बाकी भी फैली हुई है बट कम कम होगी बट थ्री क्वार्टर की बात करें तो एशिया और अफ्रीका को मिला के हमें यहाँ मिल जाएगी भाई एशिया है पॉपुलेटेड सिक्सटी परसेंट ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन स्टे इन जस्ट टेन कंट्रीज़ जो सिक्सटी है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो कितना लगभग सिर्फ दस कंट्रीज में ही मिलेगा हमें मतलब हम बोल रहे हैं कि सिक्सटी परसेंट जो दुनिया की पॉपुलेशन है जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है हंड्रेड परसेंट में से वो सिर्फ टेन कंट्रीज में ही मिल जाएगी सोचो सिर्फ टेन कंट्रीज में तो हम तो बोलते बहुत सारी कंट्रीज हैं बहुत सारी कंट्रीज हैं।, हैं तो सोचो वहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी वन परसेंट ऐसे करके ऑल ऑफ देम हैव मोर देन अंड्रेड मिलियन पीपल और सभी में लगभग हंड्रेड मिलियन पीपल से ज्यादा लोग होंगे तभी तो सिक्सटी परसेंट ऑफ जनसंख्या मतलब सिर्फ टेन कंट्रीज में ही मिल जाती है तो ये रीजन से हम बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन क्या है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्लियर हुआ आया समझ में चलो एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हमें फैक्टर्स बता दें कि क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डालते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कौन से कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं हमें है हमने क्या देखा था हमने देखा था कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स थे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में भी हमने देखा था टोपोग्राफी है सॉइल है क्लाइमेट है वाटर है देखा था ना हमने कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर ज्योग्राफिकल में भी हमने देखा था टोपोग्राफी सॉइल वाटर इस तरीके से हमने कुछ देखा था उसके बाद हमने और भी देखे थे सोशल फिर इकोनॉमिकल और कल्चरल ये सारे फैक्टर्स वही हमने देखे थे ज्योग्राफिकल की बात करें जो एरिया से रिलेटेड भौगोलिक तरीके से जिसमें जोग्राफी में क्या आएगा भाई टोपोग्राफी सॉइल वाटर ये सब के बारे में हम पढ़ते हैं तो टोपोग्राफी मतलब कैसी होनी चाहिए टोपोग्राफी एरिया कैसा होना चाहिए अगर एरिया प्लेन होगा समतल जमीन वाला एरिया होगा तो वहाँ पे भाई लोग रहना चाहेंगे कौन चाहेगा भाई उबड़ खाबड़ वाली जगहों में रहना जैसे प्लेट्यूज जै या हिल एरियाज में लोग कम दिखेंगे बट प्लेन एरिया में लोग ज्यादा पॉपुलेटेड मतलब ज्यादा लोग रहना चाहेंगे तो वो एरिया ज्यादा पॉपुलेटेड होता है मतलब वहाँ पे क्राउडेड एरिया बहुत सारे लोग रहते हैं जैसे हमने गंगा प्लेन्स का एग्जाम्पल देखा था फिर सॉइल भाई मिट्टी कैसी है मिट्टी की फ़र्टिलिटी भी क्या डिपेंड करती है लोगों के रहने के लिए जैसे फार्मिंग वगैरह के लिए बढ़िया होता है बाकी चीज़ों के लिए भाई सॉइल की फ़र्टिलिटी इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर प्ले करती है हाँ हमने एक और चीज़ देखी थी इसमें मिनरल भी देखा था कि मिनरल जहां मिलते हैं जैसे ऐसी जगह भी लोग रहने लग जाते धीरे धीरे जैसे जैसे डायमंड डायमंड हो है ना डायमंड वगैरह मिले खुदाई करके आयरन और ये सब सब क्या है इन सब के कारण भी लोग धीरे धीरे शिफ्ट होते हैं ऐसी जगहों रहने लग जाते हैं जब कुछ लोग रह रहे हैं तो और लोग समझ के रहते हैं कि भाई पे तो बड़ा अच्छा ही रही है इंप्लॉयमेंट की बढ़िया है माइन्स होंगी भाई काम होगा लेबर की जरूरत पड़ेगी तो लोग चाहेंगे ना कि आसपास ही हम रहें सेटल हो जाए तो मिनरल जहां मिलेगा वहां भी रहेंगे वाटर अवेलेबिलिटी भाई जहां पे भाई वाटर वैलीज होगी रिवर वैलीज होगी बेसिकली तो लोग वहां अदर है मतलब हमें दिखेंगे एज कम्पेयर टू दी अदर एरियाज कैसे जैसे डेजर्ट एरिया डेजर्ट एरिया में हमको कम पॉपुलेशन दिखेगी फिर हमने देखे थे सोशल फैक्टर्स सोशल फैक्टर्स में भी हमने क्या देखा था सोशल फैक्टर्स में भी हमने देखा था हेल्थ हो गया एजुकेशन हो गया हाउसिंग हो गया सोशल फैक्टर में हमने कुछ ये सब देखा था कि भाई हेल्थ को लेके कि अगर हेल्थ केयर सेंटर्स आसपास नहीं है हम कई बार होता है ना कि ऐसी सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पे बहुत दूर दूर तक अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं होते अब हमें कुछ अच्छा ट्रीटमेंट कराना है तो हम क्या करेंगे फिर कहाँ जाएंगे नहीं करें ऐसे ही रहें या रोज़ रोज, -रोज दौड़ भाग करें कि इतनी दूर जाना पड़े तो पॉसिबल नहीं है तो ये रीज़न भी है कि लोग ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं कि जहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह फैसिलिटी हो एजुकेशन फैसिलिटी हो भाई स्कूल कॉलेजेस पास पास हो और अच्छे हो जहाँ अच्छी क्वालिटी पढ़ाई होती हो क्वालिटी भाई कंटेंट मिले बढ़िया पढ़ाई हो ठीक है हाउसिंग हो घर वगैरह रहने की सुविधा है तो ऐसे लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं हमने किस सिटी का एग्जाम्पल देखा था अच्छा याद करो किस सिटी का हमने एग्जाम्पल देखा था पुणे का देखा था जैसे पुणे का एग्जाम्पल हमें दिया था फिर हम इकोनॉमिक टर्म में बात करें तो इकोनॉमिकली जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो क्या हो एम्प्लॉयमेंट हो लोग वहीं जाते देखना हम जैसे बोलते हैं ना कि अरे यार हम बैंगलोर जा रहे हैं हम मुंबई जा रहे हैं हम दिल्ली जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं ऐसे स्टेट्स में ऐसी जगहों पे हम क्यों जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भाई एमएनसीज़ हैं अच्छी अच्छी कंपनीज हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं हम भाई उतनी कैपेबिलिटी रखते हैं हमारे पास वो डिग्री है हमने वो एजुकेशन ली है अब हम वो स्किल्स क्या करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जगह अप्लाई करना चाहते हैं ताकि हमारी जो है अर्निंग अच्छी हो ठीक है तो इसके लिए क्या बोल रहे हैं बेसिकली हम इकोनॉमिकल फैक्टर को इसमें देखते हैं कि भाई जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्री के जो लोग हैं वो कैसी जगह जाना चाहेंगे डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे लोग ऑस्ट्रेलिया अमेरिका क्यों जाते हैं करियर के लिए अच्छा खासा अर्न करने के लिए भाई पैसा कमाने के लिए खूब अमीर बनने के लिए तो इसलिए भी रीज़न है कि भाई एरिया जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है ठीक है पॉपुलेटेड कंट्री बनती है क्राउडेड एरिया बनता है क्लियर हुआ फिर कल्चरल बेसिस पे जहाँ रीजनल जैसे री, रीजनल भी नहीं बोलेंगे रिलीजियस वर्क कल्चरल वर्क जैसे होते हैं ना कुछ लोग रिलीजियस हो जाते हैं जिनको चाह जो चाहते हैं कि भाई आसपास पूजा वगैरह होती रहे हम ऐसी जगह रहें जहाँ पे मंदिर हो पूजा होती रहे हम देखते रहें हम पूजा करें बस ये सब ऐसा इन्वायरमेंट जिसको चाहिए होता है तो लोग इसलिए भी ऐसी जगह शिफ्ट करते हैं जैसे हमने वाराणसी का एग्जाम्पल देखा था आया समझ में तो ये फैक्टर्स क्या करते हैं कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है भाई पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट डालते हैं आया समझ में क्लियर हुआ अब हमारा आंसर देखें चलो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जियोग्राफिकल फैक्टर देखते हैं जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था अभी टोपोग्राफी क्या बताया था टोपोग्राफी पीपल ऑलवेज प्रीफर टू लिव ऑन प्लेन रादर देन माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज बिकॉज दीज एरिया आर सुटेबल फॉर फार्मिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज मैंने बताया कि भाई जो पीपल है जो लोग हैं जो जनता जनार्दन है क्या चाहेंगी प्लेन एरिया में रहना हर कोई चाहेगा चाहेगा भाई कौन उबड़ खाबड़ जगह पे रहो फार्मिंग अच्छी हो जाएगी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बढ़िया है इंडस्ट्रीज और सर्विस सेटअप करने के लिए बहुत बढ़िया है द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड जो गंगा प्लेन है वो क्या है वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है मतलब यहाँ पे लोग मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं ठीक है आया समझ में क्योंकि प्लेन एरिया है बढ़िया है रहने के लिए वाइल्ड माउंटेंस लाइक एंडीस एल्स और हिमालयाज़ आर स्पार्सली पॉपुलेटेड मतलब और ये ये वे जो एरिया है माउंटेनियस एरिया है भाई हिल एरियाज वहाँ पे कौन ज़्यादा रहना चाहेगा तो मुश्किल से ही वहाँ पे कोई रहने को दिख जाए मुश्किल ही वहाँ पे पॉपुलेशन दिखती है बट यहाँ प्लेन एरिया में पॉपुलेशन कैसी रहती है भाई बहुत ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड बहुत ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं सेकेंड फैक्टर क्या है क्लाइमेट फैक्टर क्लाइमेट कैसा भाई अब बहुत ज़्यादा गर्म इलाका या बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका भी डिपेंड करता है हम क्या कर सकते हैं हम क्या पोलर एरियाज में रह सकते हैं आर्किटेक्ट एरिया में अंटार्कटिक में क्या हम रह पाएंगे क्यों वहाँ तो बर्फ है बहुत ठंडा है भाई ग्लेशियर जमे रहते हैं आइस शीट्स बनी रहती वहां रहेंगे हम या हम बिल्कुल थार वो कौन सा सहारा डेजर्ट जैसे गर्म डेजर्ट गर्म इलाका क्या हम वहां रहना चाहेंगे तो हम क्लाइमेट भी कैसा चुनते हैं जो फेवरेबल हो जो मतलब ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडा हो तो पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स ऐसे क्लाइमेट्स जो है पब्लिक अवॉइड ही करती कोई भी इंसान हो अवॉइड ही करेगा ना वो नहीं चाहेगा हम ज़्यादा बहुत गर्म इलाके में जाएँ या बहुत ज़्यादा जहाँ ठंडी पड़ती हो वहाँ जाएँ आर वेरी हॉट ऐसे एक्सट्रीम जो है टेम्परेचर इलाके मतलब क्लाइमेट जैसे हॉट क्लाइमेट हो या कोल्ड जैसे सहारा डेजर्ट या पोलर रीजन्स ऑफ रशिया कैनेडा एंड अंटार्कटिका क्लियर हुआ जैसे कि मैंने बताया वही चीज़ यहाँ लिखी है कि क्लाइमेट बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए तो भाई पॉपुलेशन उसी के अकॉर्डिंग तो शिफ्ट करेगी हम ही है हम जब घर लेते हैं आपने देखा होगा देख पेरेंट्स सुना होगा कि अरे वहां पे पानी की फैसिलिटी अच्छी है वहां पे भाई जो तो ज्यादा बारिश नहीं होती ठीक है अच्छा इलाका है ज्यादा ठंडी भी नहीं रहती गर्मी भी नहीं रहती सब कुछ बढ़िया है तो हम यही चुनते हैं ना यही सोचते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन क्या रहती है डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है क्लियर हुआ आगे बढ़े चल सॉइल फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर जो फर्टाइल सॉयल रहती उपजाऊ जो मिट्टी रहती है भाई एग्रीकल्चर के लिए सही रहती है खेत खेत खेती बाड़ी के लिए सही रहेगी कि नहीं रहेगी मिट्टी जितनी अच्छी रहेगी फसलें उतनी अच्छी होगी ऑब्वियसली फर्टाइल प्लेन सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया हुआंगी चैंग जियांग इन चाइना एंड द नाइल इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड मतलब ऐसे एरियाज जहां पे फर्टाइल प्लेन मिलेगा फर्टाइल सॉइल मिलेगी वो अच्छे खासे पॉपुलेटेड है मतलब वहां पे भाई खूब सारे लोग रहने को देखने को मिल जाएंगे जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है ना इंडिया में हुआंग और चैंग जियांग चाइना में ठीक अच्छा, है और नाइल कहाँ मिलेगा इजिप्ट में ये अच्छा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वाटर पीपल प्रिफर टू लिव इन द एरिया वेयर फ्रेश वॉटर इज ईजिली एवेलेबल भाई हर कोई चाहेगा जो जनता है वो क्या चाहेगी जहाँ पे हमें फ्रेश वाटर ईजिली अवेलेबल है मतलब अच्छा साफ पानी ईजिली अवेलेबल है वो वहाँ रहना चाहेगी द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड वाइल्ड डेजर्ट है पॉपुलेशन मतलब अब ऐसा एरिया पानी वाला रिवर वाला वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है तो वहाँ पर जनता हमें ज्यादा मिलेगी कृषि वगैरह के लिए भी बढ़िया है इंडस्ट्रीज के लिए भी बढ़िया है और जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे बड़ी मुश्किल से हो कि कोई पॉपुलेशन हमें दिखे मतलब दिखेगी बट बहुत कम आया समझ में नेक्स्ट देखें मिनरल्स को चल एरियाज विथ मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड ऐसे एरियाज जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट मिलेंगे वो पॉपुलेटेड होंगे ऑब्वियसली जैसे हमने बताया ना डायमंड माइन्स लोग वहाँ रहना चाहेंगे जो माइन में काम करवा रहे एक्सट्रैक्शन का खुदाई का वो खुद भी वहाँ रहेंगे और फिर वहाँ पे चाहिए पड़ेंगे मज़दूर मजदूर रहेंगे तो वो भी वहीं आसपास रहना चाहेंगे धीरे धीरे करके जब पता चलेगा कि यहाँ पे सब कुछ बढ़िया हो रहा है तो और भी लोग सेटल होंगे और वो एरिया कैसा हो जाएगा पॉपुलेटेड हो जाएगा तो ऐसे एरियाज़ जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट होते हैं वहाँ पे भी अच्छा पॉपुलेटेड एरिया होता है जैसे डायमंड माइन साउथ अफ्रीका की ठीक है हमने देखा ना एशिया और अफ्रीका कितना पॉपुलेटेड एरिया है डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन मिडल ईस्ट लीड टू सेटलिंग ऑफ द पीपल इन दीज एरियाज तो मतलब ऑयल वगैरह जो डायमंड है आयरन और जो भी चीज़ें हैं अगर ये मिनरल फेस्ट बढ़िया है वहाँ से बहुत अच्छा खदाने मिलती हैं उनकी तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं तो ये हमने क्या देखे जोग्राफिकल फैक्टर्स आया समझ में क्लियर हुआ चल देन सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स सोशल जैसे कि मैं आपको बता चुकी थी हेल्थ फैसिलिटी एजुकेशन एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड एग्जाम्पल पुणे ये मैं आपको जस्ट अभी बताया था कि हेल्थ भाई जान सबको प्यारी है पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है घर भी जरूरी है तो ऐसे एरिया में लोग रहना चाहेंगे ना कि जहाँ पे यह सब ईजिली अवेलेबल हो बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं मतलब पर एक आसानी से ऐसा नहीं क्योंकि ये रोज़ की चीज़ें अब रोज की चीज़ों में आप रोज़ एफ़र्ट्स लगाओगे इतनी दूर ट्रैवल करोगे परेशान होगे तो क्या होगा कोई मतलब नहीं है तो ईजिली बेसिकली अवेलेबल हो तो ऐसी जगह भी लोग रहना चाहते हैं जैसे पुणे कल्चरल प्लेस विथ रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल वाराणसी जैरूसलम एंड वेटसन सिटी आर सम एग्ज़ाम्पल्स ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसी जगह जहाँ पर भाई कल्चरल और रिलीजियस प्रोग्राम या चीज़ें होती रहती तो लोग भाई अट्रैक्ट होते हैं लोग को पसंद होता है भाई रिलीजियस चीज़ें देखना प्रोग्राम करना है ना पूजा आरती ऐसे मंदिरों वाली जगह बहुत अच्छा लगता है लोगों को तो लोग ज़्यादातर वहाँ भी रहना चाहते हैं ठीक है इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल एरिया प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अब इकोनॉमिक में देखे तो ऐसे एरियाज जहां इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप है क्या है जहां इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप है तो क्या प्रोवाइड करेंगी वो एम्प्लॉयमेंट देंगी इंडस्ट्रीज है तो इंडस्ट्री सेटअप होगी तो वहां पे काम करने के लिए लोग चाहिए काम करने के लिए लोग चाहिए यानी ह्यूमन चाहिए ह्यूमन कौन चाहिए भाई जो एबल हो स्किल्ड हो ठीक है तो भाई इंप्लॉयमेंट बेसिकली वो देंगे लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज भाई लार्ज नंबर ऑफ पीपल अट्रैक्ट ऑब्बियसली अट्रैक्ट होंगे उनको पता है ना इंडस्ट्रीज है यहाँ काम जैसे हम बोलते हैं ना आई टी एरिया है तो वही वहाँ पे आई टी सेटअप है पूरा तो वहाँ पे हम जो है कंप्यूटर साइंस वाले जो रहते हैं इंजीनियर जो आई टी इंजीनियर रहते हैं वो जाते हैं वहाँ जॉब करने उनके लिए बढ़िया है जैसे मुंबई का बोलते प्रोडक्शन या फे, फे, फिल्म इंडस्ट्री तो वहाँ पे जिनको एक्टिंग सिंगिंग जो भी अपना कैरियर वही के आगे बढ़ाना हो तो उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो वहाँ जाते हैं तो काफ़ी इंडस्ट्री जहाँ जहाँ सेटअप रहती है उसके अकॉर्डिंग लोग जाते हैं भाई हर कोई चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना अच्छा जैसे ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ Clear हुआ आया समझ में कि कैसे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं जिनके थ्रू हम कह सकते हैं कि हाँ कहां कम लोग रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं और कहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग रहना प्रेफर करते हैं क्लियर हुआ आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो क्या कर दो भाई फटाफट से लाइक like का बटन दबा दो ठीक है चल द एटीन हंड्रेड the पॉपुलेशन ग्री स्टेडली बट स्लोली वाई एटीन हंड्रेड की बात करें जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो क्या हुई ग्रो तो हुई लेकिन स्लोली ग्रो हो रही थी बढ़ रही थी बट स्लोली ग्रो हो रही थी क्या रीजन है देखते हैं फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री अंटिल द एटीन हंड्रेड द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रो स्टेटली बट स्लोली लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बॉर्न बट दे डाइड अर्ली टू क्या हो रहा था ना पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रो तो हो रही थी लेकिन धीरे क्यों धीरे थी बच्चे पैदा हो रहे थे बच्चे पैदा हो रहे थे बट मर भी जा रहे थे क्यों रीज़न जैसे आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिली प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिला छोटे बच्चों को कितनी कितनी केयर चाहिए होती है आपको उन्हें खुद देखा होगा बहुत उनमें बहुत बहुत बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है जरा सा भी आप नजर नहीं हटा सकते छोटे बच्चे होते अब अगर उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रही तो भाई वो मर जाएंगे हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ नहीं है हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं है तो ये कह रहे हैं कि भाई लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बॉर्न भाई बेबीज तो बॉर्न होते थे पैदा तो होते थे बच्चे लार्ज नंबर पे बट दे डाइड अर्ली टू बट वो जल्दी भाई मर भी जाते थे दिस वॉज एज देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज ऐसा इसलिए क्योंकि प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी छोटे बच्चों को कितना न्यू बॉर्न बेबी को कितनी केयर चाहिए होती उसकी मदर को भी कितनी केयर चाहिए होती वो मिल ही नहीं पाई सफिशियंट फूड वॉज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल अब जितनी जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग भाई फार्मर्स उतनी फसल ही नहीं उगा पा रहे उतना अनाज ही नहीं मिल पा रहा है उतना फूड फैसिलिटी नहीं है तो इसलिए भी भाई नहीं जी पा रहे थे फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द पीपल मतलब जितनी जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग भाई जो फार्मर हैं जो किसान हैं उतना अनाज उगा ही नहीं पा रहे थे ठीक है तो ये भी प्रॉब्लम हो रही थी एज अ रिजल्ट द टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वॉज वेरी लो इसीलिए एज अ रिजल्ट अगर हम टोटल इंक्रीज देखें वो क्या था बहुत ही लो था कैसा था बहुत ही कम था मतलब बच्चे पैदा हो रहे थे अच्छे नंबर पे बट प्रॉब्लम क्या थी हेल्थ फैसिलिटीज़ ना होने के कारण या जो लोग हैं उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है उतना फार्मर्स जो है इतना भाई ग्रो ही नहीं कर पा रहे तो इस इन रीजंस के कारण भाई डेथ रेट भी थी इसीलिए जो पॉपुलेशन है ओवरऑल बहुत ही स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रही थी क्लियर हुआ आया समझ में चल एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज आपको क्या करना है एक्सप्लेन करना है पैटर्न जो है पॉपुलेशन चेंज का क्या एक्सप्लेन करना है पॉपुलेशन चेंज का पैटर्न देखते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वर ई अक्रॉस दर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रेपिडली नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है ना वो क्या है क्या कह रहे हैं जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो वरी करता है अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वर्ल्ड टू वर्ल्ड वरी करता है मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया में इंडिया में अच्छी खासी ग्रोथ है पॉपुलेशन की तो चाइना में भी होगी या जापान में भी होगी या हम कह रहे हैं भाई भूटान में भी होगी अलग अलग हो सकता है उतनी अच्छी बांग्लादेश में नहीं होगी जितनी अच्छी इंडिया में होगी या अमेरिका की अलग हो सकती है ऑस्ट्रेलिया की अलग हो सकती है तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जो रेट है पॉपुलेशन ग्रोथ का वो क्या करता है वरी करता है अक्रॉस वर्ल्ड Although the world's total population is rising rapidly, not all countries are experiencing this growth. हम ये तो देख रहे हैं कि भाई जो total population growth है ना बहुत फटाफट बढ़ रहा है। सारी countries में भाई जनता बढ़ती जा रही है, population बढ़ती ही जा रही है। but ऐसा जरूरी नहीं कि सारी country same situation face करे। सभी क्या ऐसा हो रहा हो? Some countries like Kenya have high population growth rate. They had both high birth rate and death rate. जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर केनिया का एग्जाम्पल लिया तो वहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत बड़ी है वहाँ पर भाई बच्चे भी बहुत ज़्यादा जन्म लेते हैं और मृत्यु दर भी अच्छा है डेथ रेट भी बहुत है नाउ विद इम्प्रूविंग हेल्थ केयर डेथ रेट हैव फॉलन बट बर्थ रेट स्टिल रिमेन हाई लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट अब धीरे धीरे चीज़ें अपग्रेड होती हैं टेक्नोलॉजीज आती हैं फैसिलिटीज़ आती हैं तो पहले जो भाई इतनी ज़्यादा डेथ रेट थी अब वो भी कंट्रोल में आ गई है बट जो बर्थ रेट है वो तो बनी हुई है इसीलिए ग्रो कर रही है ग्रोथ अच्छा है क्लियर हुआ इन अदर कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग बिकॉज़ ऑफ बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट अब जैसे हम यूके की बात करें वहां पे क्या है जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो स्लो है मतलब धीरे-धीरे बहुत स्लोइंग है क्यों क्योंकि जो डेथ रेट है और बर्थ रेट है दोनों ही कम है क्लियर हुआ आया समझ में चलो सो so, इसी कारण हम क्या कह रहे हैं भाई हमने देखा कि पैटर्न कैसे फॉलो करते हैं हमारे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में किसी कंट्री में भाई ग्रोथ रेट अच्छी है किसी में बहुत कम है इसीलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अन ईवन है चाहे वो रिसोर्सेज का हो चाहे पॉपुलेशन के पैटर्न का हो तो आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा इसी के साथ भाई आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड होते हैं आपको क्या करना है भाई फटाफट से पहले तो लाइक like कर दो शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप पैकेट प्रिंस के यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं ई e नोट्स और ई e बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जैसे कि सी बी एस ई बोर्ड डेली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एम पी बोर्ड राजस्थान बोर्ड वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और हंड्रेड परसेंट फ्री अवेलेबल है आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अपना ख्याल रखें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग